हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद सुषमा में। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल नई तरीके से अंडे की करी, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 6 अंडे लिए हैं, बारीक कटा हुआ प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक काट लिया है। साथ ही मैंने लिया है 2 मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने काट लिया है, 1 टमाटर लिया है मीडियम साइज का, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च जिसे हम पीस लेंगे, 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब अंडे की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम कलछू को गरम करेंगे। कलछू को हमने गरम कर लिया है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। इसे चारों तरफ से फैला लेंगे। तेल को हमने फैला लिया है और तेल गरम भी हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 अंडा फोड़ के इसमें। अब इसमें डालेंगे 1 अंडे को तोड़ के। जब अंडा हल्का सा पकने लगे तो इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और स्वाद अनुसार नमक और 1 चुटकी जितना डालेंगे जीरा पाउडर और 1 चुटकी डालेंगे काली मिर्च पाउडर। इसमें आप धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं। ये बनकर तैयार है, इसे प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने सारे अंडे को सेम तरीके से हाफ फ्राई बना लिया है। अब चलते हैं ग्रेवी बनाने। अब चलते हैं टमाटर को पीस लेते हैं। टमाटर को मैंने काट लिया है, डालेंगे इसे जार में। अदरक को भी मैंने काट लिया है, इसे भी डाल देंगे। साथ ही 2 हरी मिर्च ली थी, उसे भी इसमें डाल के हम पीस लेंगे। जार का ढक्कन लगा देते हैं। टमाटर को हमने पीस लिया है, एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया। अब चलते हैं हम कढ़ाई को गर्म करने। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें डालेंगे हम तेल। 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा को चटकने देते हैं। जीरा को हल्का सा भून लेंगे। जीरे का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम कटे हुए प्याज। 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने काटे थे, उसे इसमें डाल देंगे। प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए, प्याज का कलर काफ़ी चेंज हो गया है। अब इसे हमें और कुक नहीं करना है। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। थोड़ी देर इसे भून लेंगे। चार पाँच सेकंड भूनने के बाद इसमें डालेंगे हम टमाटर, अदरक और मिर्ची का पेस्ट। इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन चला ना जाए। ये देखिए, प्याज और टमाटर को भूनते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं और इसकी क्वांटिटी भी आधी हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। अब इसी स्टेज में हम डालेंगे कुछ मसाले। मसाले में डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। सभी को अच्छे से मिला लेंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाए। 1 मिनट तक भूनेंगे। हमने मसालों को 1 मिनट तक भून लिया है और मसाले अपना तेल भी छोड़ चुके हैं। मसाले को 1-2 मिनट और भूनेंगे। मसाले को जितना हम लोग भूनेंगे उतना ही इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए, भूनते भूनते मसाले काफी अच्छे से भून चुके हैं और इसका कलर भी काफी अच्छा आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ग्रेवी में उबाल आने देते हैं, इसको ढक के छोड़ देते हैं। इसे चेक कर लेते हैं ग्रेवी को। काफी अच्छा उबाल आ चुका है। इसमें डालेंगे अब 1 चम्मच गरम मसाला। एक बार मिला देंगे इसे। अब इसमें डाल देंगे हाफ फ्राई किए हुए अंडे जो हमने हाफ फ्राई किया था। और इसे ढक के 2 मिनट तक पका लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पे। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेंगे। ये
काफ़ी अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। अब इस पे हम धनिया से गार्निश कर देंगे, थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे, इससे स्वाद में बहुत अंतर आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। बनकर तैयार है हाफ फ्राई एग, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। गैस की फ्लेम करेंगे ऑफ और इसे चलते हैं सर्व करने। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को। ये देखिए हाफ फ्राई एग हमने सर्व कर लिया है, इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे। आप इसे रोटी, चपाती, नान के साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए।